जी हम लोग बार बार मंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि जिस समय में बहुत सारी इकोनॉमीज जो है वो कोलैप्स कर गई हैं, वहां पे हमारा इन्फ्लेशन रेट 5.88 से 5.72 पे आता है, जहां पे ऐसी इकोनॉमीज जिनका जिनका क्या है कि अपना खुद का जो जीरो बेस बजटिंग लेके आते हैं, जीरो बेस बजटिंग मतलब उनके यहाँ कोई बजट घाटा नहीं होता। हम अभी 3% की बात करते हैं, 5% तक पहुंचते हैं, हमारे यहाँ इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स कॉमन रहेंगे। इकोनॉमिस्ट के शब्दों में बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल प्योर इकोनॉमी की। लेकिन उसके बाद यहां पे अगर इन्फ्लेशन रेट नीचे जाता है तो ये इंडिकेटर है कि इंडिया इज परफॉर्मिंग बेटर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यही मैं बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल, लेकिन लेकिन चूंकि सवाल मेरा आपसे ही है प्रदीप जी, लेकिन अगर बात की जाए चूंकि बाकी अन्य देशों के मुकाबले यहाँ पर भले ही आरबीआई इंडिया का स्ट्रांग हो, लेकिन रेपो रेट लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में यहाँ पर जनता को उम्मीद है कि थोड़ी सी यहाँ पर सहूलियत उनको हो जाए, थोड़ा सा यहाँ पर उनको थोड़ी सी राहत मिले, लेकिन ऐसा होता हुआ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी देखिए, रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो जो है वो 3.35% का जो रखा गया है, ये आपको पता होगा कि बीच में इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था कि इसको नीचे लेके आया जाएगा, लेकिन क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इस समय पे क्राइसिस की सिचुएशन की एक साइकोलॉजी चल रही है, उस समय पे कहीं ऐसा ना हो कि ये ट्रिगर कर दे एक्सेस फ्लो ऑफ मनी, ज्यादा मनी मार्केट में आने की वजह से ट्रिगर कर दे इन्फ्लेशन को इंडिया के अंदर, इसलिए इसको कंट्रोल में रखा गया। भविष्य में अगले 6 महीने में अगर इकोनॉमी पूरी ठीक ठाक रहती है तो ये हमारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, आपके दावे जो भी हमारे जो इंटरेस्ट, लेकिन बेहतर तो अनिल जी बता सकते हैं। अनिल जी, जो उम्मीदें बांधी जा रही है यहाँ से, आप लोग किस नजर से देख रहे हैं, बहुत ज्यादा आशा लेकर बैठे हैं इस बजट से या नहीं? एक चीज और भी मैं बोलना चाहूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, हमारे कांग्रेस के जो साथी हैं वो कुछ बता रहे थे कि यहाँ पे भारत में जो एसेट्स हैं वो हमारे बेच दिए गए। ये मैं थोड़ा सा इस चीज को करेक्शन करना चाहूंगा कि ये जो शब्द उपयोग किया जाता है बेच दिए गए, इस शब्द का उपयोग करना बंद करें। क्या होता है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि एक समय में कांग्रेस भले अपोजिशन में आ जाती थी लेकिन इंटेलिजेंट बातें करती थी, आज के समय ये लोग क्या उल जुलूल जो बातें करते हैं ये चीज समझ में नहीं आती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की मैं कोट करना चाहूंगा स्टेटमेंट, उनका ये बोलना था कि भारत को जो हमारे पीएसयूज हैं इनको अभी हटा के, इनको बेच के, इनके क्या बोलते हैं जो एसेट्स हैं इसको लिक्विडेट करके और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना चाहिए, और जितनी तेजी से हमको लगाना चाहिए उतनी तेजी से हम नहीं लगा पा रहे हैं, ये उनकी चिंता का विषय था। आज क्या है कि ये लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने बेच दिया, किस तरह की बातें कर रहे हैं? या तो डॉक्टर मनमोहन सिंह गलत थे, इंदिरा गांधी के समय में जिस समय पे ये एसेट्स बिल्डिंग शुरू हुई थी उस समय पे उनका ये बोलना था कि ये हमने मजबूरी है हमारी, हमको इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि भारत में हमारे जो लोग हैं, हमारी जो जनता है वो अभी इकोनॉमी में इतनी तेजी से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है, तो पीएसयू से बनेंगे कैसे है। बाद में मनमोहन सिंह आए, उन्होंने बोला कि हमारी जनता आज के समय में इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने लगी है, हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें जनता का पूरा वो है इन्वॉल्वमेंट है, इस समय में हमको इस तरह की एसेट्स की आवश्यकता नहीं है, इसकी जगह पे जो सरकार का मुख्य काम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे जिससे कि जनता को सहूलियत मिले व्यापार करने में है। लेकिन कैसी सवाल कैसी तो करते है हमारे व्यापार जी कि आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप चलिए अच्छा टर्म दे देते हैं, बेचना छोड़ देते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा जहां पर लग रहा है अगर वहां पर नुकसान हो रहा है, अभी जैसे अडानी शेयर्स गिरे तो एलआईसी को लेकर बड़ा सोशल मीडिया पर सवाल उठाए गए कि एलआईसी जो कि एक विश्वास पात्र थी उसको लेकर जब इस तरह की खबरें सामने आएंगी तो लोगों का विश्वास जो इन कंपनियों पर इतने सालों में बिल्ड हुआ वो नहीं हिलेगा क्या? जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा और इनफैक्ट ये जो चीज है पे चर्चा होनी चाहिए। मैं ये बोलता हूं अभी देखिए क्या है, कोई ऐसा स्कैम सामने आ गया क्या, कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी सामने आ गई क्या? कुछ नहीं सामने आया, ये स्पेकुलेटिव मार्केट है। देखिए शेयर मार्केट में उनका शेयर है ना, इधर क्या हुआ कि एक फॉरेन कंपनी आती है वो ये बोलती है कि संभावना है, संभावना, उन्होंने कोई भी ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं दिए, संभावना है कि कुछ डिस्क्रिपेंसीज हो, सिर्फ इतनी बात हुई है। पूरा का पूरा रिपोर्ट पढ़ लीजिए, उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज है। अब संभावना किस बेसिस तो हो गया ना इंडिया सर, अब वो कैसे भी हुआ नुकसान तो हुआ ना, सवाल ये है। मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर सकता हूं उसको। जी जी देखिए संभावना किस बेसिस पे है, इस बेसिस पे है कि उनकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है,
उनकी पूरी आप रिपोर्ट पढ़ के, मैंने तो पूरा एक एक पन्ना एक एक शब्द पढ़ा हुआ उसका, मैं पढ़ने के बाद मैं आश्चर्यचकित हो गया कि ये उस कंपनी ने अपनी खुद की रिपोर्ट बना के बिना किसी बेसिस के कैसे दी। मैं इसको अगर एक ऐसे इकोनॉमिस्ट के, नेता और राजनेता की बात छोड़ रहा हूं, मैं इकोनॉमिस्ट के, क्योंकि मेरा बेसिक सब्जेक्ट इकोनॉमी है, तो इकोनॉमिस्ट के उससे देखता हूं अगर मैं, तो मैं इस चीज को इस तरह से समझता हूं कि ये एक मार्केट को, इंडियन मार्केट को करेक्ट करने की कोशिश करी गई है जानबूझ के। कुछ ऐसी कंपनीज हैं, और उस कंपनी ने किया क्या, ये कोशिश के बाद में उन्होंने शॉर्ट सेलिंग चालू कर दी, यानी उस कोशिश से वो कमा रहे हैं। या हो सकता है कि हमारे यहाँ के कुछ लोग ही इन्फॉर्मेशन इस तरह की पास करके इस तरह के अफवाह उड़वा रहे हो। तो ये अफवाह से जो स्पेकुलेटिव मार्केट में परिवर्तन आता उसकी बात है, इसका कोई भी रियल इकोनॉमी से लेना देना नहीं है। उनके आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई डिफरेंस आ गया मैंने क्या? ना सर, अडानी को लेकर सवाल पूछा था, अब आपने अगर इकोनॉमिक वे से उसको समझा दिया। मेरा सवाल अडानी को लेकर था ही नहीं, मेरा सवाल था आपने कहा कि जो हमारे पीएसयूज हैं उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, उसको लगा रहे हैं, उसमें अगर नुकसान हो रहा है तो उसकी गारंटी कौन लेगा फिर, क्योंकि उसमें विश्वास बना रहे। या तो सरकार स्टैंड करेगी कोई भी नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे, इन दी एंड आप लोग कमाने के लिए वहां पर गए हैं, लेकिन अगर नुकसान हो जाता है तो उसकी अश्योरिटी कौन देगा, क्योंकि आम लोगों के जहन में ये सवाल चला जाता है। उनका अडानी से लेना देना नहीं है, उनका एलआईसी से लेना देना, मेरा सवाल इस चीज से लेकर। जी देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट का सीधा सा मतलब है कि ये जो एसेट्स हैं, ये जो बनाए हुए हैं सरकार ने, इनको अभी जनता के हाथ में देना चाहिए। इसका इवन मैं तो बोलता हूं इनका मैनेजमेंट भी जनता के हाथ में देना चाहिए। सरकार का काम जो है वो टैक्स कलेक्ट करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है, ठीक है। सरकार का काम व्यापार चलाना नहीं है, ये व्यापार चलाने का काम जनता का होना चाहिए, जनता को सहूलियत देना सरकार का काम है, और यही अभी इकोनॉमी का पूरा स्टेटस चल रहा है, और इसी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। और ये जो है हमने आज की डेट में नया कुछ क्रिएट कर दिया, ऐसा नहीं है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह भी यही बोलते हैं।